नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 4 अप्रैल, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीपीएससी परीक्षा के पैटर्न में हुआ बड़ा बदलाव। समस्तीपुर के हिमांशु के आवाज के मुरीद हुए रिमेश ससमिया। बिहार के कारखानों में कामगारों के सुरक्षा को लेकर मिलेगी ये सहूलियत। बिहार हिंसा को लेकर एडीजी का दावा। अब बिहार के लोगों को एसएमएस से मिलेगी लू व गर्मी की जानकारी। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीसीएल ने 330 पदों के लिए निकाली भर्ती अधिसूचना। सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के द्वारा इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, डिप्टी सर्वेयर और असिस्टेंट फोरमैन T&S के कुल 330 रिक्त पदों के लिए भर्ती रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार को 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवार के पास संबंधित स्ट्रीम में ITI की डिग्री भी होनी चाहिए। डिप्टी सर्वेयर पद के लिए मैट्रिक के साथ सर्वेयर का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इसमें आवेदन करने के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के आधिकारिक साइट centralcoalfields.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 19 अप्रैल 2023 तक निर्धारित की गई है। बीपीएससी परीक्षा के पैटर्न में हुआ बड़ा बदलाव। अगर आप भी बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से बीपीएससी परीक्षा को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया है। दरअसल बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद के द्वारा बीते दिन यानी कि सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी गई है कि इंटरव्यू में दिए गए नंबर के बारे में बोर्ड की ओर से कैंडिडेट को जवाब दिया जाएगा। यानी कि अगर अभ्यर्थियों को 30% से कम या 80% से ज्यादा नंबर आता है तो इंटरव्यू बोर्ड को उस नंबर को एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 68वीं मेंस की परीक्षा तिथि और अन्य बोर्ड की परीक्षा तिथि मैच हो रही थी, जिस वजह से अभ्यर्थियों को परेशानी हो रही थी, जिस वजह से परीक्षा के तिथि में बदलाव कर दिया गया है। यानी कि अब GS की परीक्षा 12 मई 2023 को होगी। 17 मई को पहली पाली में GS 2 की परीक्षा, दूसरी पाली में हिंदी, 18 मई को पहली पाली में निबंध और दूसरी पाली में ऑप्शन विषय की परीक्षा ली जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीपीएससी 68वीं की परीक्षा पहले 12 से लेकर 15 मई तक होने वाली थी, जो अब बढ़कर 18 मई कर दी गई है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे अजीत अंजुम के बारे में। अजीत अंजुम वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक हैं। अजीत अंजुम न्यूज 24 और इंडिया टीवी समाचार चैनलों के प्रबंध संपादक का दायित्व संभाल चुके हैं। अजीत ने पत्रकारिता की शुरुआत मुजफ्फरपुर के अध्ययन के दौरान ही कर दी थी। BAG फिल्म्स के लिए काम करते हुए अजीत अंजुम ने स्टार न्यूज के लिए सनसनी, रेड अलर्ट और पोल खोल जैसे शो प्रोड्यूस किए। वर्ष 2010 में बिहार में आई भयावह बाढ़ पर रिपोर्टिंग के लिए अजीत अंजुम को पत्रकारिता के सबसे प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अजीत अंजुम ने बिहार में बाढ़ को लेकर न्यूज 24 पर राहत लेकर चलो बिहार के नाम से एक मुहिम चलाई। किसी भी मीडिया संस्थान द्वारा चलाई गई यह पहली इस तरह की मुहिम थी। इस अभियान का ही यह नतीजा था कि बाढ़ राहत के दौरान सैकड़ों ट्रक राहत सामग्री बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाई गई। अजीत अंजुम की उपलब्धियों को देखते हुए फेम इंडिया मैगजीन ने साल 2016 के अपने सर्वे में उन्हें बिहार के 50 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में जगह दी। आज है जैन धर्म का प्रमुख त्यौहार महावीर जयंती। आज यानी कि 4 अप्रैल को जैन धर्म का प्रमुख त्यौहार महावीर जयंती है, जिसे पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बता दें कि इस दिन कई स्थानों पर महावीर की मूर्ति के साथ जुलूस निकाला जाता है और धार्मिक गीत गाए जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार महावीर स्वामी का जन्म दिवस चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। मालूम हो कि जैन धर्म के लोगों के लिए महावीर जयंती का बहुत ही महत्व होता है। भगवान महावीर के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य के लिए 5 नियम स्थापित किए गए हैं, जिनमें पहला अहिंसा, दूसरा असत्य, तीसरा ब्रह्मचर्य, चौथा सत्य और पांचवा अपरिग्रह है। बता दें कि इस दौरान लोगों के द्वारा महावीर की पूजा की जाती है और साथ ही गरीबों को दान दक्षिणा भी दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महावीर जी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे।
हर जिले में खुलेगा हर घर नल का जल सेवा केंद्र। राज्य के हर जिले में आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय पार्ट 2020-25 के अंतर्गत हर घर नल का जल सेवा केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। हालांकि इसके पहले चरण में यह राज्य के 19 जिलों में खोले जाएंगे, जिसके लिए सभी जिलों के कार्यपालक अभियंता को पत्र भेज दिया गया है। बता दें कि हर घर नल का जल सेवा केंद्र के खुलने से जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, रखरखाव, निगरानी और नियमित रूप से चलाने में मदद मिलेगी। मालूम हो कि केंद्र की भूमिका एक संसाधन केंद्र की होगी, जहां से लाभुकों से फीडबैक भी लिया जाएगा। बता दें कि शुरुआत में राज्य के जिन 19 जिलों में हर घर नल का जल सेवा केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है, उनमें पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय, अररिया, सुपौल, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, गया, हाजीपुर, खगड़िया, भागलपुर, रोहतास, किशनगंज, जमुई, बांका, नालंदा, पटना और दरभंगा शामिल है। के बीच बिहार विधानसभा 5 अप्रैल तक स्थगित। बीते दिन बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी के द्वारा बिहार में हुए हिंसा की घटना को लेकर जमकर हंगामा किया गया, जिसके बाद स्पीकर के द्वारा दोपहर 2 बजे तक विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करनी पड़ी थी। वहीं 2 बजे के बाद जब एक बार फिर से विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत की गई तो पूरा विपक्ष द्वेल में जा पहुंचा और श्रीराम के नारे लगाए जाने लगे और मंत्री विजय चौधरी के द्वारा बिहार में हुए हिंसा पर सरकार से जवाब देने को कहा गया। इसी बीच उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ के द्वारा विधानसभा द्वारा पारित आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी इन्व संशोधन विधेयक पेश किया गया, जिसे पारित कर दिया गया। लेकिन सदन में बढ़ते हंगामे को देखते हुए स्पीकर के द्वारा सदन को 5 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया। मनीष कश्यप को मदुरई कोर्ट ने भेजा जेल। बीते दिन बिहार के मनीष कश्यप को रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद तमिलनाडु पुलिस के द्वारा तमिलनाडु के मदुरई कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट के द्वारा मनीष कश्यप को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। हालांकि अब तक तमिलनाडु पुलिस के द्वारा इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि मनीष कश्यप से किए गए पूछताछ में क्या बात निकलकर सामने आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनीष कश्यप की गिरफ्तारी तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ कथित मारपीट मामले में फर्जी वीडियो डालकर हिंसा भड़काने की कोशिश के आरोप में की गई थी। मालूम हो कि इससे पहले मनीष कश्यप को 30 मार्च को तमिलनाडु के मदुरई कोर्ट में पेश किया गया था, जहां कोर्ट के द्वारा उन्हें 3 अप्रैल तक के लिए पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया था। इन ट्रेनों में यात्री अब QR कोड स्कैन कर जान सकेंगे कब धुला है बेड रोल। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को अब बेड रोल से जुड़ी किसी भी शिकायतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए रेलवे की ओर से एक नई तरकीब निकाली गई है, जिसकी मदद से यात्री यह पता कर सकेंगे कि बेड रोल गंदा है या साफ, या इसे अंतिम बार कब धोला गया था। दरअसल रेलवे की ओर से बेड रोल के पैकेट पर एक QR कोड जारी किया गया है, जिसकी मदद से यात्री यह पता कर सकेंगे कि बेड रोल गंदा है या साफ, या इसे अंतिम बार कब धुला गया था। दरअसल रेलवे की ओर से बेड रोल के पैकेट पर एक QR कोड जारी किया गया है, जिसकी मदद से यात्री उस QR कोड को स्कैन कर बेड रोल के सफाई से जुड़ी सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। बता दें कई ट्रेनों में बेड रोल पर QR कोड अंकित करना शुरू कर दिया गया है, जिनमें महाबोधि, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन, भुवनेश्वरी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन, रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनें शामिल है। मालूम हो कि QR कोड से अगर पता चलता है कि बेड रोल गंदा है तो उसे कोच अटेंडेंट के द्वारा तुरंत बदल दिया जाएगा। समस्तीपुर के हिमांशु की आवाज के मुरीद हुए हिमेश रेशमिया। कुछ दिनों पहले ही समस्तीपुर के अमरजीत जयकर की आवाज बॉलीवुड के गानों की दुनिया में छाई हुई थी, वहीं अब इस लिस्ट में एक और कलाकार का नाम शामिल हो गया है। हम बात कर रहे हैं समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर के वायरल सिंगर हिमांशु के बारे में, जिनकी आवाज के मुरीद महान संगीतकार हिमेश रेशमिया हो गए हैं। बता दें कि अगर हिमेश रेशमिया ने हिमांशु को न केवल अपने पास बुलाया बल्कि अपने महत्वपूर्ण एल्बम में उन्हें 5-5 गाने को गाने का मौका भी दिया है और साथ ही तुरंत रिकॉर्ड भी करवाया। इसके अलावा हिमांशु को आगे और 5 गाने के लिए साइन भी कर लिया गया है। हालांकि इससे पहले हिमेश रेशमिया ने हिमांशु को वॉइस टेस्ट के लिए भी बुलाया था और जब इनकी आवाज सुनकर वे प्रभावित हुए तो उन्होंने यह सभी काम किया। मालूम हो कि हिमेश रेशमिया ने हिमांशु के पहले गाने को पोस्टर भी जारी कर दिया है, वहीं गाने को आज यानी कि मंगलवार को यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया जाएगा। बता दें कि हिमांशु ने वर्चुअल सिंगिंग रियलिटी शो फ्लूटीन होम स्टार में गोवा के ओंकार शिवांकर और कोलकाता की अनुष्का पात्रा को हराकर राष्ट्रीय स्तर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। बिहार हिंसा को लेकर DGP RS भट्टी ने की बैठक।
बीते दिन यानी कि सोमवार को डीजीपी आरएस भट्टी के द्वारा बिहार की राजधानी पटना में समाहरणालय स्थित शहीद हरदेव भवन के सभागार में पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बता दें कि इस बैठक के दौरान उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया है, जिसके तहत उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को उपद्रवियों से सख्ती से निपटने का आदेश दिया है और कहा है कि दोषी को किसी भी कीमत पर नहीं बचना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने जिलावासियों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और जिले में शांति बनी रहे, इसके लिए पुलिस का सहयोग करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोहल्लों में वार्ड पार्षदों द्वारा शांति समिति की बैठक भी की गई है, जिसमें आपसी भाईचारा बनाने की अपील की गई है। इसके साथ ही उपद्रवियों से निपटने के लिए पैरा मिलिट्री फोर्स व दंगा नियंत्रण बल की भी तैनाती की गई है। पटना गया डोभी एनएच के निर्माण मामले पर पटना हाईकोर्ट ने की सुनवाई। बीते दिन पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के मामले पर जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट के द्वारा एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी को हलफनामा दायर कर प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट के द्वारा पूछा गया था कि इसका निर्माण कार्य कब पूरा होगा, जिसका जवाब देते हुए कंपनी के द्वारा कोर्ट को कहा गया कि इस राजमार्ग का निर्माण कार्य को लगभग 30 जून 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट के द्वारा इस फेज के निर्माण में बाधा उत्पन्न होने वाले सभी अवरोधों को तत्काल हटाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया था। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे कपिलेश्वर स्थान के बारे में। कपिलेश्वर स्थान या कपिलेश्वर नाथ मंदिर मधुबनी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर शिव भगवान जी को समर्पित है। यह मंदिर प्राचीन है। इस मंदिर में आपको शिव भगवान जी के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। मंदिर के बाहर एक बड़ा सा तालाब बना हुआ है, जिसमें लोग स्नान करते हैं। यहां पर आकर बहुत अच्छा लगता है। मंदिर परिसर में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, जहां पर आपको और भी देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए मिल जाते हैं। यहां पर सावन सोमवार और महाशिवरात्रि को बहुत भीड़ रहती है। इस मंदिर की स्थापना कपिल मुनि के द्वारा की गई थी, इसलिए इस मंदिर को कपिलेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर मधुबनी से करीब 9 किलोमीटर दूर है। आप यहां पर आराम से पहुंच सकते हैं और मंदिर घूम सकते हैं। यह मंदिर मुख्य हाईवे सड़क पर स्थित है। बिहार हिंसा को लेकर एडीजी का दावा। बिहार में रामनवमी के बाद भड़की हिंसा को लेकर बीते दिन बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए यह दावा किया गया है कि रोहतास और बिहार शरीफ जिलों में हालत तेजी से सामान्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंगलवार यानी कि आज से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि हालात सामान्य होंगे और प्रतिबंधों को हटा लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि पुलिस की ओर से मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और साथ ही फॉरेंसिक टीम के द्वारा भी मौके का जायजा लिया गया है। बता दें खबर लिखे जाने तक इस मामले को लेकर कुल 130 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वहीं कई लोगों की पहचान की जा रही है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिहार के कारखानों में कामगारों के सुरक्षा को लेकर मिलेगी ये सहूलियत। बिहार के 8,469 निबंधित कारखाने में काम करने वाले 2.31 लाख से अधिक कामगारों को सुरक्षा देने के लिए श्रम संसाधन विभाग की ओर से एक नया कदम उठाया गया है। दरअसल कामगारों को सुरक्षा मिल सके, इसके लिए विभाग के द्वारा 6 कारखाना निरीक्षकों और 13 नए कारखानों में योग्य सुरक्षा पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। बता दें कि इसको लेकर विभाग की ओर से सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ ही श्रमिकों को सुरक्षा से जुड़ी बेहतर जानकारी मिल सके, इसके लिए कारखानों में सुरक्षा दिवस व सप्ताह मनाया जाएगा और साथ ही कारखानों में नियमित रूप से मॉक ड्रिल भी कराए जाएंगे, जिसमें सभी श्रमिक मौजूद होंगे। इसके लिए विभाग की ओर से कारखानों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। बिहार की राजधानी में अतिथि शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का विधानसभा मार्च। बीते दिन सोमवार को बिहार की राजधानी पटना में अपनी मांगों को लेकर 2600 अतिथि शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के द्वारा विधानसभा मार्च किया गया। बता दें कि इस दौरान उनके मार्च को पुलिस कर्मियों के द्वारा जेपी गोलंबर के पास ही रोक दिया गया। मालूम हो कि बीते दिन किए गए विधानसभा मार्च में अतिथि शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के साथ पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ भी शामिल हुए। बता दें कि इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस कर्मियों के बीच भी नोकझोंक हुई, जिसके बाद पुलिस कर्मियों के द्वारा प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया और साथ ही प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह प्रदर्शन बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कई सालों से कार्यरत अतिथि सहायक प्रधानाध्यापकों को हटाने को लेकर किया गया। पटना हाईकोर्ट ने एम्स स्थानांतरित किए जाने के मामले पर की सुनवाई।
बीते दिन पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चंद्रन के द्वारा बिहार के सहरसा में स्थापित किए जाने वाले एम्स अस्पताल को दरभंगा स्थानांतरित किए जाने के मामले पर कोसी विकास संघर्ष मोर्चा के द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। बता दें कि इस दौरान कोर्ट के द्वारा बिहार सरकार को जवाब देने के लिए 17 अप्रैल 2023 तक का समय दिया गया है। मालूम हो कि सुनवाई के दौरान कोर्ट के द्वारा बताया गया कि एम्स निर्माण के लिए सहरसा में पर्याप्त स्थान है जबकि दरभंगा में नहीं है, लेकिन 2020 में राज्य सरकार के द्वारा दरभंगा में एम्स स्थापित किए जाने की अनुशंसा कर दी थी, जो इस क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र के बहुत सारे लोग कैंसर समेत अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, इसलिए आम लोगों को बेहतर इलाज के लिए इस क्षेत्र में एम्स स्तर के अस्पताल की सख्त आवश्यकता है। बता दें कि इस मामले पर कोर्ट के द्वारा अगली सुनवाई 17 अप्रैल 2023 को की जाएगी। अब बिहार के लोगों को SMS से मिलेगी लू व गर्मी की जानकारी। मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कि इस वर्ष राज्य में लू सामान्य से अधिक रहेगा, इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जिला स्तर पर डैशबोर्ड की सहायता से गर्म हवाएं और लू से बचाव के लिए निगरानी करने को कहा गया है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि इस वर्ष लोगों को गर्मी और लू की जानकारी SMS के द्वारा भेजने की तैयारी की जाए। बता दें कि विभाग की ओर से दिए गए दिशा निर्देश के बाद जिला स्तर पर इसकी तैयारियां तेज हो गई है। जिला व प्रखंड स्तर पर हर जगह नोडल पदाधिकारी को नामित किया गया है, जो लोगों तक बारे में जानकारी पहुंचाने का काम करेंगे। मालूम हो कि शहरी क्षेत्रों में गर्म हवाओं लू से बचाव के लिए सूचनाओं एवं अलर्ट को लेकर कलर कोडिंग के साथ प्रदर्शित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि लोगों को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। CBSE 12वीं में 3 नए वोकेशनल कोर्स जुड़े। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के द्वारा 12वीं में 3 नए वोकेशनल कोर्स को जोड़ा गया है। बता दें कि इन 3 नए कोर्स के जुड़ने से अब विद्यार्थियों के सामने पूरे 43 वोकेशनल कोर्स के ऑप्शन मौजूद होंगे, जो पूरे 2 साल के लिए होंगे। मालूम हो कि बोर्ड की ओर से जिन 3 नए कोर्स को जोड़ा गया है उनमें लैंड ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएट, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर व डिजाइन थिंकिंग और इनोवेशन वोकेशनल शामिल है। बता दें कि इन 43 वोकेशनल कोर्स में 39 कोर्स ऐसे होंगे जिनके सैद्धांतिक परीक्षा 60 अंकों के और प्रायोगिक परीक्षा 40 अंकों की होगी, वहीं बाकी बचे 4 वोकेशनल कोर्स में सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षा 50-50 नंबर के लिए जाएंगे। इसकी पूरी जानकारी बोर्ड की ओर से राज्य के सभी CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूलों को दे दी जा चुकी है। बिहार में मौसम का मिजाज बदलने से बढ़ेगी गर्मी। बिहार में आने वाले कुछ दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में कुछ स्थानों पर झमाझम बारिश हो सकती है। इस दौरान ओलावृष्टि और आंधी तूफान भी आ सकता है, लेकिन इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी। अप्रैल से लेकर जून तक सामान्य से अधिक गर्मी पड़ने की संभावना जताई गई है। इस दौरान ज्यादातर दिनों में लू की मार भी ज्यादा सताएगी, लेकिन इन सबके बीच राहत की बात यह है कि अप्रैल के पहले 15 दिनों में ज्यादा गर्मी की मार लोगों को नहीं झेलनी होगी। हालांकि इस दौरान तापमान 38 से 40 डिग्री के बीच रह सकता है। इस दौरान लू चलने के आसार भी नहीं है, लेकिन इन 15 दिनों के बाद बिहार में गर्मी अपना असर दिखाना शुरू कर देगी और उसके बाद पारा 40 डिग्री के पार भी जा सकता है। बिहार की राजधानी के सड़कों पर दिखे 2024 की लड़ाई पोस्टर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बीते दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा गया था कि उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना अधूरा रह जाएगा, वहीं उनके इस बयान का पलटवार JDU के द्वारा पोस्टर लगाकर दिया गया है। बता दें कि JDU के द्वारा बिहार की राजधानी पटना के सड़कों पर एक पोस्टर को लगाया गया है, जिसमें 2024 की लड़ाई नजर आ रही है। दरअसल इस पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लाल किले के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही पोस्टर में लिखा गया है कि देश आपका इंतजार कर रहा है। बता दें कि इस पोस्टर को MNC खालिद अनवर के द्वारा लगाया गया है और लिखा गया है, हम बिहार वाले हर कदम में आपके साथ है, देश को आपका इंतजार है, रमजान मुबारक। बता दें कि इस पोस्टर को देखने से यह साफ पता चलता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के तौर पर हाईलाइट किया जा रहा है। 6 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाएगी BJP। BJP प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार BJP अपने 43 साल पूरा करने को लेकर 6 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाएगी। उन्होंने बताया कि स्थापना दिवस के मौके पर बूथ स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और साथ ही इस दिन यानी कि 6 अप्रैल को जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यालय में सुबह 9:15 बजे झंडोत्तोलन भी किया जाएगा। सम्राट चौधरी ने बताया कि 6 अप्रैल से सामाजिक न्याय सप्ताह की शुरुआत होगी, जो 14 अप्रैल तक चलेगी। इसके साथ ही BJP स्थापना दिवस के दिन 9:45 बजे प्रधान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित भी किया जाएगा। इसी दिन 11 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा दीवार पर लिखने के माध्यम से पूरे देश को समर्पित करेंगे। उन्होंने कहा कि लेखन का कार्य प्रदेश में 12 बजे, जिला में 1 बजे और सभी मंडल अध्यक्ष में 2 बजे किया जाएगा। इसके अलावा 7 अप्रैल को रोजगार के विषय पर चर्चा की जाएगी और 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर मंडल स्तर पर जयंती सह संगोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जेडीयू ने अमित शाह के इस बयान पर बीजेपी को दिखाया आईना। बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहा गया था कि जेडीयू के लोग बीजेपी में आने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं अब उनके द्वारा दिए गए इस बयान पर वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन पर पलटवार किया गया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू से अमित शाह के पास गठबंधन करने के लिए आवेदन लेकर गया है क्या, लेकिन फिर भी वे बार बार बोलते हैं कि जेडीयू के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद है। उन्होंने कहा कि अमित शाह का यह बोलना दिखाता है कि नीतीश कुमार के बिना उनका काम नहीं चलने वाला है। अगर उन्हें बिहार में हुए हिंसा से हमदर्दी होती तो रविवार को वे शांति की अपील करते, लेकिन उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने गलत भाषा का उपयोग किया। उन्होंने कहा कि उल्टा लटका देंगे, सीधा कर देंगे। उन्होंने कहा कि लोगों के मन में सांप्रदायिक बातें डाली जा रही हैं, इसलिए वे सचेत हो जाएं। उनके द्वारा केवल राज्य सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। ब्रिटिश सेना के साथ युद्ध करने के बाद 1858 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी से निकलकर कालपी पहुंची और बाद में ग्वालियर की ओर चली गई। कांगड़ा घाटी में 1905 में आए जबरदस्त भूकंप से लगभग 20,000 लोगों की जान गई। दार्शनिक श्री अरविंदो घोष पांडिचेरी पहुंच गए, जहां उन्होंने 1910 में योग और आध्यात्मिक केंद्र खोला। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना ने 2008 में भाजपा सदस्यता स्वीकार किया। महाराष्ट्र के ठाणे में 2013 में अवैध रूप से निर्मित इमारत गिरने से तकरीबन 80 लोग मारे गए। छत्तीसगढ़ में 2013 में एक कुल्हाड़ी हत्याकांड में 9 लोग मारे गए। मशहूर हिंदी कवि, लेखक, नाटककार और पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 को मध्य प्रदेश में हुआ। भारत की मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री परवीन बॉबी का जन्म 1949 में गुजरात के जूनागढ़ में हुआ। वायलखंड में आज हम बात करेंगे एक नई योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक नई योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि सरकारी ब्लॉग नामक एक यूट्यूब चैनल के एक वीडियो में यह दावा किया गया है कि एक नई योजना के तहत केंद्र सरकार 21 साल से कम उम्र की सभी लड़कियों के बैंक खातों में 2,58,000 रुपए की राशि प्रदान कर रही है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह वीडियो फर्जी है, यह धोखाधड़ी का प्रयास है, कृपया सावधान रहे, कृपया ऐसे भ्रामक संदेश फॉरवर्ड ना करें। व्हाट्सएप में आ रहा ये बढ़िया अपडेट, बड़े साइज में देख सकेंगे मैसेज। मेटा व्हाट्सएप पर यूजर्स एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। इस साल अब तक कई बेहतरीन फीचर्स मेटा व्हाट्सएप यूजर्स को दे चुका है। इस बीच व्हाट्सएप से जुड़ा एक अपडेट सामने आया है। दरअसल व्हाट्सएप एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जिसके तहत iOS यूजर्स को कम्युनिटी ग्रुप में पहले से बेहतर रीडेबिलिटी मिलेगी, यानी यूजर्स को मैसेज बड़े साइज में दिखेगा। WA बीटा इन्फो के मुताबिक व्हाट्सएप एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जिसके तहत iOS यूजर्स को कम्युनिटी ग्रुप में बेहतर रीडेबिलिटी मिलेगी। इस फीचर की वजह से आप अन्य चैट्स और कम्युनिटी ग्रुप की चैट्स के बीच अंतर कर पाएंगे। फिलहाल ये फीचर कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए जारी किया गया है, जिसे कंपनी आने वाले समय में जारी करेगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि रंजन, कृष्ण कुमार यादव, नन्नू गोलू कुमार, मृत्युंजय कुमार, कृष्णा प्रसाद, मोहम्मद सकीर हुसैन, हीरालाल कुमार, शंकर मुखिया, प्रहलाद कुमार, प्रदीप कुमार, उमा शंकर गुप्ता, कन्हैया कुमार, पीके पासवान, जहांगीर आलम, सलमान मियां। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार से पलायन को रोकने के लिए सरकार को क्या क्या उपाय करने चाहिए? तो आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।